गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब लोग का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट न्यूज है, आरबीआई कैप्स आईपीओ फंडिंग बाय एनबीएफसी जेट 1 करोड़ पर बोरोवर। ठीक है, तो अब अभी देख लेते हैं। अभी आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनबीएफसी के लिए। तो सबसे पहले तो यही बात पूछ सकता है कि किसके लिए लॉन्च किया गया, तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन इसका नाम है, एसबीआर, ये रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। ठीक है, तो इसकी जो की बातें वो देख लेते हैं। इसके अंदर काफी सारे रेगुलेशन में चेंज किया है, जिसमें आप देख सकते हो सीलिंग ऑन आईपीओ फंडिंग, उसके अलावा मिनिमम नेट ऑन फंड में चेंज होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चार बेसिकली पैरामीटर्स हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो ऊपर देख लिया कि आईपीओ के ऊपर 1 करोड़ पर बोरोवर आईपीओ के अंदर सीलिंग रहेगी। और बेसिकली अगर बात करते हैं ना, तो एनबीएफसी के लिए नया स्ट्रक्चर, 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया है, और ये सब गाइडलाइंस जो है 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव रहेगी। उसके अलावा जो आईपीओ वाला 9 मई, तो 1 अप्रैल से इफेक्टिव रहने वाला है। अब बात करते हैं कि जो नया रेगुलेशन है उसका बेस क्या है बेसिकली। तो देखो, एनबीएफसी के इन्होंने चार बेसिकली जो सॉरी तीन पैरामीटर्स है वो इन्होंने लिए हैं। तो उसके बाद में साइज कितना बड़ा है, एक्टिविटी किस टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एटसेट्रा, और रिस्कीनेस लेवल, यानी कितना रिस्क है किसी बिजनेस में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली होगी उसके लिए ज्यादा रिस्क होगा, उसके लिए अलग टाइप रेगुलेशन चाहिए होगा। तो इन तीन चीजों के साइज, एक्टिविटी, परसीव्ड रिस्कीनेस, इन तीन चीजों के बेस पर उन्होंने 4 लेयर बनाई है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, अपन अलग से बैंकिंग माय वे सीरीज के अंदर के अपन कवर करेंगे इस आर्टिकल को, इस पर्टिकुलर न्यूज को बेसिकली, रेगुलेशन फ्रेमवर्क को, तो वहां पे अपन डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो अपन मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। आईपीओ कैप अपने देख लिया। अब नेट ऑन फंड में जो की जो चेंज यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी फैक्टर्स है, उनके लिए मार्च 2027 तक 10 करोड़ रुपए का नेट ऑन फंड पहुंचाएंगे। और उसके अलावा एनपीए के अराउंड भी इन्होंने 90 डेज का कैप ला रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने वापस बोला कि रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ी है, कि भाई वो साइज बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है एनबीएफसी का फंक्शनिंग और इंटरकनेक्टेडनेस फाइनेंस सेक्टर के साथ में, तो सब इंटरलिंक हो रही थी, इसलिए हमें एनबीएफसी के ऊपर भी थोड़ा होल्ड, थोड़ा टाइट मतलब रेगुलेशन की जरूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपन अलग से भी कवर करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज हो रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट, याद रखना, डाई अमोनियम फास्फेट ट्रम है यूपीएससी में, तो डिटेल में पूछ सकते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, बाकी बैंकिंग में तो फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बता देता हूं मैं, अपन लोग अक्टूबर 23 का बिजनेस लाइन कवर कर रहे हैं, और एक ट्रम है सीएजी। सीएजी दोस्तों एक कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल 148 में मेंशन है संविधान के। उसके अलावा एक यहाँ पे आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ट्रम भी न्यूज में है, तो देख लेना। अपन आगे चलते हैं, आज काफी सारे आर्टिकल्स कवर करने हैं, 4 से 5 तो आरबीआई के अराउंड, बिजनेस लाइन अच्छे से कवर करता है, आरबीआई के अराउंड की न्यूज जो रहती है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ बचेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। दो छोटी सी न्यूज और है, एक तो देखो पेटीएम 197 कम्युनिकेशन की पैरेंट कंपनी, इन्होंने सेबी से नोट प्राप्त कर लिए 16,600 करोड़ रुपए आईपीओ के लिए। उसके अलावा आप सभी देख रहे होंगे जो अभी कोविड वैक्सीनेशन के अलावा काफी बोल बाय बोल कमेंट्री चलने लगी, चल रही है बेसिकली, जैसे डब्ल्यूटीओ का राउंड चल रही है वैसे ही। ठीक है, तो बेसिकली जो एसएमएस भेजता है ना, कौन सा कंपनी भेजते अपने को वैक्सीन लगवाने के बाद, उसका नाम दिया गया हैदराबाद बेस्ड तानला प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है भेजने के लिए। वाह, मुझे नहीं पता था ये, गुड। तो इसके अलावा आपको ये भी, और दूसरा भी रिसेंट आपको पता, 21 अक्टूबर 2021 को कोविड वैक्सीनेशन में हमारे देश में 100 करोड़ मार्क हमने अचीव किया था। तो देखो, अगर एग्जाम्स होगी ना, जो आईबीपीएस एसबीआई पीओ में जो टारगेट कर रहा हूँ, मतलब ये जो वीडियोस दे रहा हूँ, तो जैसे जनवरी या दिसंबर में होगी, तो जब 2-3 महीने हो जाते हैं ना, तो आप भूल जाओगे ये डेट। और एग्जामिनर का काम ये है कि सब टफ से टफ क्वेश्चंस बनाना, मिस से लेने क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस देना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 2021 का हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया था। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलने लग गई इसके अराउंड ना, चलेगी अभी 10-15 दिन चलेगी, तो फिर बाद में आपको याद हो जाना चाहिए डेट, पूछ सकता है एग्जामिनर, फिर बाद में बोले अरे बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, ऐसे अनकन्वेंशनल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वैसे पूछ रहा है, तो सब दुनिया भर की बातें होगी, उसके अराउंड बॉल बाय बॉल कमेंट्री होने लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेसिकली बोल बाय बोल कमेंट्री में वापस डब्ल्यूटीओ का राउंड में बोला था, बोल बाय बोल कमेंट्री चल रही है। डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल याद रख लेना, मैगोंजी ओकोंजो इवेला, पूछेगा पक्का आगे वाले एग्जाम में। दूसरा एक है टी आर ए आई, फुल फॉर्म देख लेना,
इसके अराउंड जो बातें चल रही है वो देख लिया करो, पूछा था कुछ दिनों पहले एग्जाम में, ठीक है। अगला जो मेगा न्यूज है वो है दोस्तों, गवर्नमेंट नोटिफाइज सेटिंग अप ऑफ 7 इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स। ये तो बजट में अनाउंस किया था, अब लॉन्च हो रहा, ठीक है। तो इसके अलावा पहले तो पीएम मित्र की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी शायद, पीएम मेगा इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, ठीक है। इसका आउटले जो है 4,445 करोड़ रुपए है, 5 साल, अगले 5 साल के अंदर का आउटले। कई बार पूछते हैं ये कितने साल में है, ये सब रिसेंट देखा गया, ठीक है। और दोनों तरीके के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, ब्राउन फील्ड हो चाहे ग्रीन फील्ड हो। ग्रीन फील्ड का मतलब वहां पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है, और ब्राउन फील्ड का मतलब थोड़ा कुछ हो उसको बनाना। ग्रीन फील्ड होता है जीरो से हीरो, और बचा हुआ होता है ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो की फीचर्स इस स्कीम के यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो ये सब बातें इधर ही की है, उसको समराइज करके उसने वहां बता दिया, अपने काम बन जाएगा, वहां पढ़ लेते हैं। देखो सेंटर का सपोर्ट है, बेसिकली सेंटर कितना सपोर्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट वाले तो जमीन लाएंगे बनाने के लिए 1,000 करोड़ मिनिमम है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लाएंगे, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट वाले लाएंगे जमीन 1,000 करोड़। अब फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट करेगा, जिसके अंदर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में तो 30% देगा, टोटल कैप रहेगी 500 करोड़ रुपए की पर प्रोजेक्ट या पर पार्क। और ब्राउन फील्ड साइट्स में रहेगा कैप तो परसेंटेज में तो 30% है, लेकिन कैप ओवरऑल है 200 करोड़, याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। ये जो की फीचर्स अपन ने देख लिए हैं, इस स्कीम के बेनिफिट्स यहाँ बताए गए हैं। ये देखो स्कीम के बेनिफिट तो कोई भी बोले, एक तो हमेशा आप लिख दिया करो, फिट कर दिया करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दो टर्म तो हो गए। उसके अलावा इट विल पोजिशन इट्स इंडिया इन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। देखो जब भी मुंह खोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोलते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आप समझ गए होंगे इनके लिए मैं रेफर कर रहा हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आगे चलते हैं अपन, याद रख लेना इसको, देख लेना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ये सब चीजें हैं, ये सब बोल बच्चन गिरी तो है ही। खैर दो छिटपुट न्यूज है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइज पीएलआई स्कीम गाइडलाइंस फॉर स्पेशलिटी स्टील, ठीक है ना। देखो आपको लग रहा होगा ये तो हमारा फेज टू में है ही नहीं, बट ये फेज वन में तो पूछ सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल ज्यादा पूछ रहा है, जो कि करंट में न्यूज में है, लेकिन आपने स्किप कर दिया, आपको लगा रहा है ये तो काम का नहीं है वह सोच के, तो वो आप मेरा उन्हीं चीजों का आपको कवर कराना मेरा मेन मकसद रहता है, नॉर्मल चीजें आप कहीं से भी कवर कर लोगे। पीएलआई जो स्पेशलिटी स्कीम है 6,322 करोड़ रुपए का टोटल इसका आउटले है, और इसके तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आय लाने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो देख लो, हमेशा गवर्नमेंट मेंशन करती ही करती है कि हम इससे इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो वो तो मुझे कोई बताने की बात ही नहीं है। उसके अलावा एक और न्यूज है यहाँ पे, अभी रिसेंटली जो इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे इस एक्ट का अमेंड किया गया है, और इस अमेंड के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब निकल के आ रही न्यूज वो है एक कंपनसेशन, गवर्नमेंट फिक्सेस वन टाइम कंपनसेशन एट 1,000 पर किलोमीटर, याद रखना ये पूछ सकता है, है ना। तो बेसिकली देखो टेलीग्राफ जो राइट ऑफ वे क्या होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेलीग्राफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ना, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और मोबाइल टावर्स, इनके लिए जो एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होती है ना, उसको आप ग्राउंड के अंदर से अंडरग्राउंड से ले करते हो, तो उसके लिए मेंटेनेंस वर्किंग रिपेयरिंग ट्रांसफर होती है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, तो उसके लिए है 1,000 पर किएम कंपनसेशन। आगे चलते हैं, बेसिकली कैपिटल थ्री रेगुलेशंस जो बेसल थ्री है वो आईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आरबीआई प्रपोज कर रहा है, फिलहाल तो ड्राफ्टी वेबसाइट पे प्लेस हुआ है, 4 आईएफआई आपको पता रहने चाहिए। उसके अलावा आईएफआई आर की इंस्टीट्यूशंस अपन अलग से बैंकिंग माईवे सीरीज में भी कवर करने वाले हैं, लेकिन बेसल थ्री के जो तीन पिलर्स होते हैं आपको याद रखना चाहिए, पिलर वन होता है कैपिटल रिस्क कवरेज और कंटेनिंग लिवरेज, पिलर टू होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, पिलर थ्री होता है मार्केट डिसिप्लिन। आईबीपीएस एसबीआई पीओ वाली जनता देख लेना, बाकी डिटेल में अपन कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे टोटल 11.5% अप्रैल 2022 तक चाहता है टारगेट, और उसके अंदर 9% तो रहेगा अपना नॉर्मल और 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है फ्रेंड्स, इस ड्राफ्ट है फोर्थ साइट पे, आगे चलते हैं, वरना अपना टाइम निकल चुका है यार 9:30 और मतलब हो गया बस 20 सेकंड बचे हैं, उसमें देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं। ये देख लेना आप, यहाँ पे दिया गया है कि जो एसजीएक्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ने अपना गिफ्ट सिटी में ओपन कर रहा है एक ऑफिस, विक्रम लिमाए एनएसए की एमडीओसीओ है। सेबी ने नया ग्रीवेंस रिडक्शन आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया, मैं टेलीग्राम में शेयर कर लूंगा, सेबी वाले जनता देख लेना, जनवरी 2022 से एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं इसमें, सेबी के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। पार्ट टू लाऊंगा यार, सारी चीजें खत्म नहीं हुई है।